नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुमार्स व्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको धर्मेंद्र की ऐलान जंग फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाने वाला हूं, जो कि 1989 के अंदर ये फिल्म आई थी और इस फिल्म के स्टार्टिंग के सीन जहां से शूट किए गए थे, आज मैं उस लोकेशन के ऊपर पहुँच चुका हूँ। तो इस फिल्म के स्टार्टिंग में कुछ सीन ऐसे आते हैं जिसके अंदर इस फिल्म में जो CBI एजेंट होता है राजशेखर, वो विलेन के आदमियों से अपनी जान बचा के भागता रहता है। तो कुछ डिजर्ट के सीन दिखाए गए हैं और इसके बाद वो एक मंदिर में जाके छुपता है। तो आज मैं उस लोकेशन के ऊपर पहुंच चुका हूँ। ये जो आप नज़र आप देख पा रहे हैं, यहाँ से कुछ सीन शूट किए गए थे और इसके बाद यहाँ पे पहाड़ के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है चाकसू के अंदर, शीतला माता का मंदिर। यहाँ से फिल्म के स्टार्टिंग के सीन दिखाए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी सीन यहाँ से फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं वो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल के ऊपर नए हो पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सामने पहाड़ के ऊपर शीतला माता का मंदिर है और इसके इधर ये कुछ डिजर्ट के सीन है जहाँ से फिल्म के स्टार्टिंग के सीन शूट किए गए थे। तो फिल्म का एक सीन देखिए, यहाँ से दिखाया गया है जब फिल्म में जो CBI एजेंट होता है वो राजशेखर, वो बच के भागता रहता है और उसके पीछे जो फिल्म में जो विलेन होता है कि आदमी भागते रहते हैं। तो इसी लोकेशन का सीन फिल्म के अंदर दिखाया गया है। अभी देखिए इस प्रकार से छोटे छोटे पौधे यहाँ पे उग चुके हैं, लेकिन फिल्म का सीन यहीं से दिखाया गया है तो आप स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए मंदिर का नज़ारा दिखाया गया है, दूर से दिखाया गया है, तो मैं आपको मैच करवा के दिखा देता हूँ। तो देखिए एक सीन के अंदर इस मंदिर का नज़ारा इस प्रकार से दिखाया गया है, आप स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं, ये सीढ़ियाँ वगैरह मैच कर सकते हैं। और एक सीन के अंदर देखिए ये आप मैच कर सकते हैं, फिल्म का वो सीन यहीं से दिखाया गया है। अभी वैसे हम मंदिर के पास चलेंगे और मंदिर के अंदर से भी बहुत से सीन दिखाए गए हैं फिल्म के अंदर, जब वो CBI एजेंट होता है राजशेखर, वो मंदिर के अंदर जाता है इन सीढ़ियों से बचने के लिए, तो वो सीन वहाँ मंदिर के अंदर से दिखाए गए हैं। तो अभी हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर। तो अभी हम मंदिर के पास में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ये सीढ़ियाँ बनी हुई है। वैसे मंदिर में जाने के लिए उधर से सीढ़ियाँ हैं, जो मंदिर का एंट्रेंस है वो उधर से है, लेकिन इधर से आप एग्जिट कर सकते हैं, मंदिर के पीछे साइड से ये सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर बंजारन फिल्म की भी शूटिंग हुई थी तो फिल्म में यहाँ सीढ़ियों से कुछ सीन दिखाए गए हैं। तो अभी ऊपर चलते हैं और वो सीन देखते हैं जो फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं। जय माता दी, जय माता दी। फिल्म में एक सीन को यहीं से दिखाया गया है जब जो CBI एजेंट होता है राजशेखर, वो अपनी जान बचाने के लिए इन सीढ़ियों से मंदिर में जाता रहता है, तो वो सीन यहाँ से दिखाया गया है, आप स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं। पहले इन सीढ़ियों में ये रेलिंग लगी हुई नहीं थी, तो देखिए वो यहाँ पे रहता है, आप मैच कर सकते हैं। फिल्म का एक सीन दोस्तों यहाँ से दिखाया गया है और इस सीन के अंदर देखिए आप स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं, मंदिर को मैच कर सकते हैं और मंदिर की इस गुंबद को आप स्क्रीनशॉट के अंदर परफेक्ट मैच कर सकते हैं और इसे भी आप मैच कर सकते हैं। तो फिल्म का वो सीन यहाँ से दिखाया गया है और अभी हम ऊपर चल रहे हैं क्योंकि ऊपर से भी कैमरा एंगल करके फिल्म में सीन दिखाया गया है जब जो विलेन के आदमी होते हैं वो उस CBI एजेंट को ढूंढते हुए इस मंदिर के अंदर आते हैं। तो देखिए एक सीन को यहीं से दिखाया गया है, जो विलेन के जो आदमी होते हैं वो इन सीढ़ियों से ऊपर मंदिर में जाते रहते हैं और ये नज़ारा देखने को मिलता है। देखिए इसे आप मैच कर सकते हैं, ये जो खिड़की बनी हुई है इसे आप मैच कर सकते हैं। अभी शायद इसे बंद कर दिया गया है लेकिन आप इसे स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं और गुंबद के ऊपर जो फ्लैग लगा हुआ है उसे भी आप स्क्रीनशॉट के अंदर परफेक्ट मैच कर सकते हैं। ये गुंबद तो उस आदमी की वजह से दिख नहीं पा रही है लेकिन वो फ्लैग उसी प्रकार से दिख रहा है तो मैच कर सकते हैं। और एक सीन के अंदर देखिए कैमरा एंगल यहाँ से किया गया था जब जो विलेन के जो आदमी होते हैं वो मंदिर में आते हैं इन सीढ़ियों से, तो देखिए यहाँ पे रहते हैं वो, आप स्क्रीनशॉट के अंदर देखिए मैच कर सकते हैं, इस दीवार को मैच कर सकते हैं, इन सीढ़ियों का नज़ारा आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं और इसे भी आप मैच कर सकते हैं। और पहले ये रेलिंग यहाँ पर लगी हुई नहीं थी लेकिन फिल्म का सीन यहीं से दिखाया गया है और नीचे जो ये आप धर्मशालाएं आप देख पा रहे हैं ये नई बनी है, ये धर्मशालाएं भी पहले नहीं थी यहाँ पे।
ठीक है। और एक सीन के अंदर देखिए ये नज़ारा दिखता है, तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं परफेक्ट। और देखिए इधर ये शीतला माता का मंदिर है, ये जो गुंबद बनी हुई है यही शीतला माता का मंदिर है। मंदिर में आने के लिए उधर सामने से सीढ़ियाँ बनी हुई है, इधर से आप एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मंदिर में जाने के लिए इस प्रकार से ये सीढ़ियाँ बनी हुई है और ऊपर मंदिर है, तो आप देख सकते हैं शीतला माता मंदिर। और नगर पालिका मंडल चाकसू आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। और ये देखिए इस प्रकार से सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो अभी हम मंदिर के अंदर चल रहे हैं और देखिए यहाँ पे जो धर्मशालाएँ हैं बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ धर्मशालाएँ धर्मशालाएँ हैं। देखिए और इस रास्ते से हम आए हैं, तो अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं और शीतला माता के दर्शन करवाते हैं आपको। तो शीतला माता का जो मंदिर है ये सामने है मेन मंदिर, और यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर है। ये है शीतला माता का मंदिर, आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ से नीचे का नज़ारा देखिए कुछ इस प्रकार से दिखता है। इधर शायद कोई नदी है या फिर कोई सागर है, यहाँ पे बहुत सा पानी भरा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं इधर भी। और ये एक यहाँ पे बाबा जी का मंदिर है, और इधर सामने कुछ इस प्रकार का नजारा है। ये यहाँ पे मंदिर का कार्यालय बना हुआ है। और नीचे देखिए इधर से भी मंदिर में आने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं, और ये बहुत सी धर्मशालाएं यहाँ पे बनी हुई है। ये देखिए सामने बहुत सा पानी भरा हुआ है इधर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल के ऊपर नए हो पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई फिल्म शूटिंग लोकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।